आज हम जो है अल्केन को किस तरह से नाम दिया जाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो हमारी बहुत लंबी होने वाली है, तो हो सकता है कि मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखें। अल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। लेकिन इन अल्केन में एक खास बात और भी होती है, वो खास बात ये है कि अल्केन में जो कार्बन होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, मैं इथेन लिखता हूं, CH3 bond CH3। अगर आप देखें तो यहां कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है इसे हम अल्केन कहते हैं। अल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है और उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, हम इन्हें अल्केन कहते हैं। अल्केन की एक और मिसाल हम देख लेते हैं, CH3 bond CH2 bond CH3। ये प्रोपेन का मॉलिक्यूल है, इसमें भी अगर आप देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम इस कंपाउंड को भी अल्केन कहेंगे। देखो तो अल्केन जो होते हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर आप देखें जो हम एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये जो है प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये जो अल्केन है इनका इसमें मिक्सचर होता है। अब हम ये जो अल्केन है इनको किस तरह से नाम देते हैं, इनको जो है किस तरह से IUPAC में नाम देते हैं। देखो नाम देने का जो तरीका है वो दो तरीके हैं, एक तो कॉमन नेम सिस्टम होता है और एक IUPAC सिस्टम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक सोसाइटी है जो ये तय करती है कि कंपाउंड को किस तरह से नाम देते हैं। तो IUPAC के तहत अल्केन को किस तरह से नाम दिया जाता है वो हम देखने वाले, तो चलिए देखते हैं। देखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो फार्मूला आप याद रखिए, अगर वो फार्मूला अगर आपने आप याद रख लिया तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप आसानी से नाम दे सकते हैं। वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला है जीवा के प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। देखो जो प्रीफिक्स होता है वो दो तरीके का, दो तरह का होता है। एक तो होता है प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर होता है प्रीफिक्स प्राइमरी और रूट वर्ड। और जो सफिक्स होता है वो दो तरह का होता है, मैं आपको बताऊंगा ये प्रीफिक्स प्राइमरी क्या है, प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या है और सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी क्या है, रूट वर्ड क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आप फार्मूला देखें कि फार्मूला किस तरह का है। तो फार्मूला होता है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रीफिक्स प्राइमरी, एक होता है प्रीफिक्स सेकेंडरी। तो हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी को लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी को, उसके बाद रूट वर्ड होता है और रूट वर्ड के बाद सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स दो तरह का होता है, तो सफिक्स में भी हम पहले जो लिखते हैं वो सफिक्स प्राइमरी को लिखते हैं और फिर सफिक्स सेकेंडरी को लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लिख के याद कर लें, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स।
प्रीफिक्स में दो तरह के प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स प्राइमरी, रूट वर्ड और सफिक्स दो तरह का होता है, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। देखो जो प्रीफिक्स है उस सेकेंडरी को हम पहले लिखते हैं और प्राइमरी को बाद में लिखते हैं, ये बात याद रखें, थोड़ा सा इसको जो है मेमोराइज करने में आसान नहीं होगा। तो प्रीफिक्स सेकेंडरी प्लस प्रीफिक्स प्राइमरी प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। देखते हैं कि प्रीफिक्स प्राइमरी क्या है, प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या है और प्रीफिक्स सफिक्स प्राइमरी क्या है, सफिक्स सेकेंडरी क्या है। जो प्रीफिक्स सेकेंडरी होता है, कोई भी कंपाउंड अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से नाम देते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहां मैंने जो बनाया हूं वह है 2-methyl-butane, मैंने यहाँ 2-methyl-butane का फॉर्मूला बनाया और नाम भी लिखा 2-methyl-butane। तो यहां अगर आप देखें, जस्ट जो है आप देखें, अभी भले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। देखो ये जो प्रीफिक्स सेकेंडरी जो होता है, प्रीफिक्स सेकेंडरी जो होता है ये जो सब्सिट्यूएंट होता है, जो जो अलग से एक ब्रांच निकली हुई थी, जो सब्सिट्यूएंट होता है उसकी पोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीफिक्स सेकेंडरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो ये जो अलग से निकला हुआ है मिथाइल ग्रुप जो निकला हुआ है ये दूसरे नंबर पर है, जो मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है वो दूसरे नंबर पर है। इसीलिए जो सबसे पहले मैंने लिखा हूं कि प्रीफिक्स सेकेंडरी, और प्रीफिक्स सेकेंडरी जो होता है ये पोजीशन ऑफ सब्सिक्वेंट बताता है, मतलब जो जो सब्सिक्वेंट लगा हुआ है उसकी पोजिशन को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसके अंदर भी हमने, अगर आप नाम को देखेंगे तो मैंने सबसे पहले लिखा हूँ 2-methyl, यानी जो मिथाइल ग्रुप है वो दूसरे नंबर पर है, तो मैंने लिखा 2-methyl। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा हूं, प्रीफिक्स सेकेंडरी। अब एक होता है प्रीफिक्स प्राइमरी। जो प्रीफिक्स प्राइमरी होता है ये जो कंपाउंड होता है वो साइक्लिक कंपाउंड है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी साइक्लो कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड है, किस तरह का कंपाउंड है उसके बारे में जो है हम इसके अंदर लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी के अंदर। तो प्रीफिक्स प्राइमरी के अंदर हम लिखते हैं साइक्लो कंपाउंड, या लिखते हैं बाइसाइक्लो, या लिख सकते हैं स्पाइरो। तो प्रीफिक्स सेकेंडरी जो होता है इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को जाहिर करते हैं, और जो प्रीफिक्स प्राइमरी होता है इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं जो चेन है वो साइक्लिक है या बाइसाइक्लिक है या स्टेट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया है। अब रूट वर्ड, देखो रूट वर्ड जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को जाहिर करता है, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम को जाहिर करता है। ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि एक है तो हम कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, दो कार्बन है तो कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तीन कार्बन है तो कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। तो अगर जो रूट वर्ड होता है हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे ये जो लंबी जंजीर, जो लॉन्ग चेन मैंने डिसाइड किया हो, इस लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है टोटल, हाँ 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। और 4 कार्बन के लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, रूट वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ब्यूट, BUT, ब्यूट, बट नहीं, BUT, ब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ 4 कार्बन के लिए। तो प्रीफिक्स सेकेंडरी, अब चूंकि ये जो है इसमें ये चेन स्ट्रेट है तो मैं साइक्लिक वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रीफिक्स सेकेंडरी यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, जो है इस कंपाउंड के अंदर है मिथाइल जो दूसरे नंबर पर है, तो मैंने लगा दिया 2-methyl। अब रूट वर्ड, इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए मैं ब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने इसमें लगा दिया ब्यूट वर्ड ना। अब होता उसके बाद आता है सफिक्स प्राइमरी। देखो सफिक्स प्राइमरी जो होता है टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। तो अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसीलिए हम इसके अंदर ANE मतलब एन का इस्तेमाल करते हैं। सफिक्स प्राइमरी के जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है एन, ANE, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने इसके लिए अंदर लगा दिया हूँ एन, है ना। अब जो सफिक्स सेकंड, जो सफिक्स सेकेंडरी होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। अब इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, अल्केन जो होता है इसके अंदर कोई दूसरा चीज नहीं होती, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप
ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह इसके अंदर नहीं होते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल जो है अभी फिलहाल यहाँ नहीं करेंगे, आगे जो हम जो एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, नए नए कंपाउंड्स हम देखेंगे, अल्कोहल फिनॉल इथर जब हम देखेंगे तो उसके अंदर हम जो है इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो बस आपको इतना याद रखेगा अल्केन के अंदर हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट को जाहिर करता है, रूट वर्ड जो होता है ये कार्बन की तादाद को, कार्बन की जो नंबर होते हैं जितने का नंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो सफिक्स होता है वो सफिक्स जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम AN का इस्तेमाल करते हैं, डबल बॉन्ड है अल्कीन के अंदर होता है तो हम उसके लिए ENE का इस्तेमाल करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम YNE का इस्तेमाल करते हैं, आइन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो आगे है, तो हम जो है अल्किन को नाम देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो फार्मूला होता है उसमें प्रीफिक्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब समझ लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो सब्सिक्वेंट जो है उसकी पोजिशन को जाहिर करता है और उसके नाम को जाहिर करेगा। इसी तरह से जो रूट वर्ड है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से जो हमारा सफिक्स है, सफिक्स हमको टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। बोले समझ में आ गया, गुड। अब देखो अल्केन को नाम देने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा याद कर लें ताकि जो है मुझे नाम देने में समझाने में आसानी हो। कुछ बातें आप मेहरबानी करके इसको लिख लिख के याद कर लें या कैसे भी करके इसको याद कर लें। देखो हम सबसे पहले जो है सब्सिट्यूएंट की पोजीशन को लिखते हैं, जो है प्रीफिक्स के अंदर सब्सिट्यूएंट की पोजीशन को लिखते हैं। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सब्सिट्यूएंट कौन कौन से, तो चंद जो है कुछ सब्सिट्यूएंट आप याद कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर आप याद कर लें CH3 बॉन्ड, ये जो होता है CH3 बॉन्ड इसे हम मिथाइल सब्सिट्यूएंट कहते हैं या मिथाइल ग्रुप हम इसे कहते हैं। इसी तरह से CH3 बॉन्ड CH2 इसे हम इथाइल ग्रुप कहते हैं। प्लीज इसको याद कर लें, CH3 को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 को हम इथाइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से जो है CH3 बॉन्ड CH3 ये वाला जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम 1-methyl इथाइल ग्रुप कहते हैं। ये जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, थोड़ा सा आप इसको याद कर थोड़ा सा याद कर लिया, मैं आपको इसको बाद में डिटेल से बताऊंगा, आप जस्ट इसको याद करते चले जाएं। ये जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल है, लेकिन अभी फिलहाल हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसे 1-methyl इथाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसका नाम है 1-methyl इथाइल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो सब्सिट्यूएंट है, ये वाला जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं 2-methyl प्रोपाइल। प्लीज आप याद करते चले जाएं, सब चीजों को लिख लें इसको, आपके नोट के आपके जो नोटबुक है उसके अंदर लिख, और मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ और जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ सबको आप नोट डाउन करते चले, मेहरबानी करें। अब देखो सब्सिट्यूएंट आपको मालूम हो गया, जो प्रीफिक्स हमने जो फॉर्मूले में हम जो प्रीफिक्स लिया है वो आपको मालूम हो गया, मिथाइल प्रीफिक्स हो सकता है या इथाइल प्रीफिक्स हो सकता है या 1-methyl इथाइल प्रीफिक्स हो सकता है या आपका हो सकता है 2-methyl इथाइल, ये प्रीफिक्स आपके हो सकते हैं। अब रूट वर्ड, ये बहुत मेन चीज है, रूट वर्ड जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, काय को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है रूट वर्ड, वो भी आप याद कर लें। सबसे पहले लिख लें इस तमाम चीजों को, आप लिख लें, मैं बार बार कह रहा हूं ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तमाम चीजों को आप लिख लें। तो अगर कंपाउंड के अंदर जो लंबी जंजीर आप डिसाइड करोगे उस लंबी जंजीर के अंदर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मिथ वर्ड, METHE, मिथ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, और दो कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेग्स,
7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक्ट इस्तेमाल करते हैं। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और या मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। वेरी गुड। तो ये तमाम चीजें आप याद कर, ठीक है, इसको लिख लें। अभी फिलहाल अगर अगर आपको प्रोसीड मैं आपको कर रहा हूं तो ये पेंट तक तो मेहरबानी करके आप याद कर लें, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ठीक है। 5 कार्बन के लिए पेंट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हम इस्तेमाल करने वाले। तो हमको मालूम पड़ गया है कि रूट वर्ड कौन कौन से हम इस्तेमाल करेंगे। अब आता है सफिक्स। सफिक्स जो होता है वो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और अल्केन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो हम अल्केन के अंदर AMEN का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्केन में जो सफिक्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो AME यानी एन है। तो आपको ये तमाम चीजें आपको मालूम हो चुकी है। सफिक्स प्रीफिक्स जो सब्सिक्वेंट है वो आपको याद हो गया, मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। फिर हमने रूट वर्ड देखा, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन एक, 3 कार्बन प्रॉप। फिर सफिक्स हमको मालूम पड़, जो सफिक्स है वो हमको मालूम पड़ गया कि अल्किन के लिए जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है AME यानी एन का इस्तेमाल करते हैं। अल्किन या तो लंबी जंजीर में होगे या रिंग के फॉर्म में होगे या ब्रांच्ड के फॉर्म में होगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्केन अगर सिर्फ और सिर्फ अनब्रांच्ड है, लंबी जंजीर नहीं है और लेकिन अनब्रांच्ड है, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, कोई सब्सिट्यूएंट नहीं है, कोई सब्सिट्यूएंट नहीं है, यानी इसके अंदर प्रीफिक्स हम लगाने वाले नहीं है क्योंकि इसके अंदर सब्सिट्यूएंट है ही नहीं। तो सब्सिट्यूएंट नहीं है तो हमको इसके अंदर प्रीफिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम इसके अंदर सिर्फ वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रूट वर्ड और सफिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है अनब्रांच जो कंपाउंड होते हैं, अनब्रांच कंपाउंड के अंदर जो फार्मूला है हमारा प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, तो इसके अंदर जो है प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करने वाले ही नहीं है, हम सिर्फ रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। रूट वर्ड 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन, तो सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, सफिक्स AME का ही इस्तेमाल, अल्केन के अंदर AME का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए देखते हैं, अब मेरे पास एक कंपाउंड है, एक ही कार्बन वाला कंपाउंड है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास है CH4। अब देखो, अब आप बोलेंगे सर एक कार्बन है और उसके पास 4 हाइड्रोजन कैसे हैं। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 है। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। CnH2 यहां जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा मिसाल के तौर पर कार्बन अगर एक है हमारे पास, है ना, तो हाइड्रोजन जो है कि वो हमको उसको 2 से जरब करना है, 2 जमा करना है। तो चूंकि कार्बन एक है तो 2 × 2 = 2 यानी 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो एक कार्बन अगर है तो हाइड्रोजन 4 हो गए। मिसाल देखते, दूसरी मिसाल देखते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। देखो फार्मूला क्या है, CnH2n+2, यानी जितने भी कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, जितने भी कार्बन है उसको 2 से, जितने भी कार्बन है उसको 2 से जरब करो और 2 जमा करो, 2 से जरब करो 2 जमा करो तो हाइड्रोजन आपको मिल जाएगी। जैसे एक दूसरा देखते हैं, अगर कार्बन 2 है आपके पास तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 से जरब करो, 2 × 2 = 4, 2 जमा करो यानी 6। तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6। तो कार्बन अगर आपको मालूम है तो हाइड्रोजन आप खुद ब खुद मालूम कर सकते हैं अल्केन के लिए। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो गए,
तीन दो से जरब करेंगे और दो जमा करेंगे, यानी तीन दूनी छः जमा दो यानी आठ। तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, आठ। वेरी गुड। कार्बन अगर चार है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, चार दूनी आठ जमा दो यानी दस। तो हाइड्रोजन हमारे पास दस हो गए, है ना। इनको जो है ये जो इनका जनरल फार्मूला है और इनका जो है स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह से होता है वो भी हम आगे जो है देखेंगे। अब अगर कार्बन है हमारे पास, अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन चार हो गए। तो कार्बन एक है, अब इसका नाम क्या होगा, ये वाले जो अल्केन है इसका नाम क्या होगा, तो हम इसको नाम इस तरह से देंगे, एक कार्बन है सिर्फ हम रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। रूट वर्ड एक, एक कार्बन है, हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं रूट वर्ड, वेरी गुड, मिथ का इस्तेमाल करते हैं, मिथ। और सफिक्स क्या लगाने वाले हैं, ए एन ई, यानी इसका नाम हो गया ए मीथेन। अब हम देखते हैं कार्बन अगर दो है, कार्बन अगर दो है हाइड्रोजन कितने हो गए, छ, एच सिक्स, है ना। ये इसको जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से है, सी एच थ्री, ये जो छह हाइड्रोजन इसके पास है, एक कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री, इसका नाम क्या होगा, सी टू एच सिक्स, इसका नाम क्या होगा। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड, वेरी गुड, इथ का इस्तेमाल करते हैं, इथ और सफिक्स ए एन ई यानी एन, इसका नाम हो गया इथेन, वेरी गुड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा, देखते हैं जैसे मिसाल के तौर पर एक और ले लेते हैं हम, मेरे पास है तीन कार्बन सी थ्री, हाइड्रोजन कितने हो गए इसके पास, दो से जरब करो और दो जमा करो, तीन दून छः जमा दो आठ, हाइड्रोजन हो गए आठ। इसको लिखने का तरीका इस तरह से है, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री, सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन रूट वर्ड सफिक्स, रूट वर्ड तीन कार्बन के लिए प्रॉप, तो इसका नाम हो गया रूट वर्ड लगा दिया हमने प्रॉप और सफिक्स एन, अल्केन के लिए ए नहीं लगे, इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब आप चार कार्बन के लिए बना सकते हैं, मैं बता देता हूँ, पांच छह आप बना के देखें, मेरे पास है सी फोर एच टेन, चार दूनी आठ जमा दो दस, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से है, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री, चार कार्बन सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू सी एच, क्योंकि लंबी जंजीर है ना तो सिर्फ जो आखिरी होते हैं वहां सी एच थ्री होता है, बाकी बीच में सब जगह जो है वो सी एच टू सी एच टू होता है। ये जनरल फार्मूला है, स्ट्रक्चर लिखने का एक तरीका है। तो इसमें कितने कार्बन, चार, तो रूट वर्ड ब्यूट, वेरी गुड। रूट वर्ड हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, इसमें पेन को चेंज कर थोड़ा सा, तो रूट वर्ड इस्तेमाल, इसमें जो रूट वर्ड इस्तेमाल करने वाले कौन सा रूट वर्ड हम इसमें इस्तेमाल करने वाले, ब्यूट, चार कार्बन के लिए ब्यूट को हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर सफिक्स ए एन एन ए, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यू ए। इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, आप इसको जो है बनाकर देखें, इसको देख सकते हैं आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। आपको आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ चार कार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास छह कार्बन, तो आखिरी में आप सी एच थ्री लिखोगे, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, आखिरी में सी एच थ्री। तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, आप इसको बनाने की कोशिश करें। नाम देने का तरीका भी बता दिया आपको, रूट वर्ड और सफिक्स, रूट वर्ड मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हैप ऑक नॉन डेक का इस्तेमाल करेगा और रूट और जो सफिक्स है उसमें ए एन का इस्तेमाल करोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में।
देखिए जो ब्रांच्ड अल्केन है, ब्रांच्ड अल्केन को नाम देने से पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास है प्रोपेन, तो प्रोपेन को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरे पास है CH3 बॉन्ड CH3 प्रोपेन मेरे पास है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। वो तरीका कौन सा है? वो तरीका ये है कि जो CH3 होता है, मतलब जो हमारा टर्मिनल कार्बन होता है वो लिखते हैं, और जो जो मिडिल में जो कार्बन होते हैं हम उसको कॉर्नर से जाया करते हैं। देखो ऐसा, जैसे इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो जो टर्मिनल कार्बन है ये वाला टर्मिनल कार्बन हो गया, ठीक है। फिर मुझे CH2 को रिप्रेजेंट करना है तो एक कॉर्नर से ऐसा रिप्रेजेंट करोगे, ये दूसरा कार्बन हो गया और ये मेरा टर्मिनल कार्बन हो गया, खत्म। हाइड्रोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो है समझने वाला बराबर समझ जाता है कि इसके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है कि आप जितने भी कार्बन है वो कार्बन आप गिन लें और उसके हिसाब से आप जो है जिगजैग मोशन में आप जो है लाइन ड्रॉ करें। इसे हम कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होता है बहुत ही आसान होता है। जैसे एक और मिसाल हम देखते हैं, जैसे मेरे को बताना है ब्यूटेन को CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 ब्यूटेन, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये आपका एक कार्बन होगा टर्मिनल कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, है ना, चार कार्बन हो गए। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक। अब मुझे बनाना है 2-methyl propane, मतलब इस तरह का मुझे कंपाउंड बनाना है CH3 बॉन्ड CH3, इस तरह का मुझे कंपाउंड बनाना है। तो देखिए आप जो लॉन्ग चेन होती है इस लॉन्ग चेन को आप पहले ड्रॉ कर लेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको आप बाद में ड्रॉ करेंगे। इसको जो है इस तरह से ड्रॉ करेगा कि ये हो गया आपका पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरा कार्बन, तीन कार्बन है लंबी संख्या में, तीन कार्बन। और अगर आप देखें तो दूसरे नंबर के जो कार्बन है, दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, एक कार्बन लगा हुआ है। तो दूसरे नंबर के कार्बन पर, यानी ये पहला नंबर का, ये दूसरे नंबर का कार्बन, तो दूसरे नंबर के कार्बन पर आपको इस तरह का एक बॉन्ड बना देना है, ये हो गया आपका CH3। बहुत समझ में आ रहा है? कुछ और मिसालें देखने की कोशिश, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो मुझे भी जो है आपको आगे समझाने में बहुत आसानी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अब थोड़ा सा एक और मिसाल देखते हैं। मुझे बनाना है 2-methyl butane, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे बताना है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये वाले को मुझे बॉन्ड लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? देखो लंबी संजीर के अंदर कितने कार्बन है टोटल? चार कार्बन, तो आप इसको जो है चार कार्बन बना ले, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, सो सिंपल। अब अगर आप देखें तो दूसरे नंबर के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप निकला हुआ, तो दूसरे नंबर के कार्बन पर पहला, दूसरा, दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। मिथाइल ग्रुप बोलो तो एक कार्बन है, एक कार्बन बोलो तो ये वाला कार्बन, एक कार्बन है ना, और वो कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन इस कार्बन से दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जस्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं वो खुद ब खुद समझ में आ जाता है। जैसे कार्बन की चार बंदिशें होती हैं, कार्बन की कितनी बंदिशें होती हैं? चार बंदिशें होती हैं, चार बॉन्ड कार्बन के होते हैं। इस कार्बन के अगर आप देखें
तो इस कार्बन की चार बंदिशी होगी। तो अभी मैंने जो रिप्रेजेंट किया सिर्फ एक ही बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, तो चार में से एक बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो बचे कितने, तीन बॉन्ड बचे, तो तीन हाइड्रोजन इसके पास हो गए। यहाँ देखो, ये दूसरे नंबर का जो कार्बन है इसको देखो, दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर मैंने कितने बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, एक एक दो और तीन बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट किया, कितने बॉन्ड बचे, एक बॉन्ड बचा, मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो जितने बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट किया हो वो तो है, लेकिन जो बच गया बॉन्ड वो उतने हाइड्रोजन हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर एक और देते हैं, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसके मैंने कितने बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, ये वाला सिर्फ एक ही बॉन्ड मैंने इसका रिप्रेजेंट किया, तो एक बॉन्ड मैंने इसका रिप्रेजेंट किया हो तो बचे कितने, चार में से एक गए, बचे कितने, तीन। कार्बन की चार बंदिशें होती है, चार में से एक गया, बचा कितना, तीन। तो मतलब इसके पास हाइड्रोजन कितने होती है। तो ये तो आसान बात है, समझ सकता है कोई भी, जो है जिसको ये समझ में आ गया वो समझ जाता है कि भाई हाइड्रोजन कितने हो गए, वो लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें। एक और देखते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, अब बताइए आप इसको किस तरह से लिखोगे। देखो लंबी जंजीर में कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, टोटल कितने कार्बन है, पांच कार्बन है। तो आप पांच कार्बन बना लीजिए आप पहले, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन चार कार्बन। अब देखिए यहां जो ये वाला मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो कितने नंबर के कार्बन था, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर के कार्बन को ब्रांच निकली हुई है, तो लगा दीजिए आप ब्रांच तीसरे नंबर के कार्बन पर, ये पहला का नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर पर एक ब्रांच लगा दीजिए आप, ये लग गई हमारी ब्रांच, ये कौन है, सी, एक कार्बन। अब हाइड्रोजन आप खुद ही बना सकते हैं, देखो बहुत ही आसान है। इसके कितने बॉन्ड मैंने, ये वाले जो है कार्बन, इसका कितना बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, एक बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, बचे कितने, तीन, तो हाइड्रोजन तीन आ जाएगी वहां, हाइड्रोजन तीन आ जाएगी। तो उसके नंबर मैंने जो है उसके बाजू का जो बॉन्ड है उसके अंदर कितने, उसके बाजू का जो कार्बन है उसके अंदर कितने बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, दो बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, एक दो, बचे कितने, दो, तो उसके पास दो हाइड्रोजन आ जाएगी। जितने बचे उतने हाइड्रोजन आपको लिख देना है। उसके बाजू में देखिए आप इस कार्बन के, इस कार्बन के मैंने कितने बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, एक दो तीन बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, बचे कितने, चार में से तीन चले गए, बचे कितना, एक, तो हाइड्रोजन कितना है इसके पास, एक हाइड्रोजन है इसके पास, है ना। इसके मैंने दो बॉन्ड रिप्रेजेंट किया हूं तो बचे दो, इसका एक बॉन्ड रिप्रेजेंट किया हूं तो बचा एक। इस तरह से हम जो है अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपाउंड्स। मुझे समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जो ब्रांच्ड कंपाउंड है उन ब्रांच्ड अल्केन के कंपाउंड को किस तरह से नाम दिया जाए।